साथियों, जब बच्चा 12th पास आउट करता है अपने पीसीएम ब्रांच के साथ में, तो उसका अपना सबसे पहला सपना होता है कि वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करे। तो आज मैं साथियों पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस बच्चे को बीटेक करना चाहिए और किस बच्चे को बीटेक नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ जब आप 4 साल का ये बीटेक कोर्स करते हैं, उसके बाद में आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं, कहां कहां पे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं और क्या इसमें पढ़ाया जाता है, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। यदि आप भी बीटेक करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब तक हजारों लाखों बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार यहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। तो साथियों, बीटेक कंप्यूटर साइंस से बात करने से पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में। साथियों, जब से कंप्यूटर हमारी जिंदगी में आया है, तब से हमारी जो जिंदगी है बहुत आसान हो गई है। अब जो सब सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंप्यूटर। यदि हमें किसी को पैसे भेजने हैं तो हम 2 सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। यदि हमें कहीं पे जाना है तो हम ओला बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं मोबाइल से ही। तो सब सारी चीजें आज की डेट में डिपेंड करती हैं कंप्यूटर से ही। तो साथियों, बीटेक सीएस में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बीटेक सीएस के लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आउट किया हुआ हो पीसीएम के साथ में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए, और उसमें जो आपकी परसेंटेज हो ओवरऑल 50% होनी चाहिए मिनिमम, और जो आपका पीसीएम परसेंटेज है वो भी 50% होना चाहिए, और कुछ स्टेट वाइज जो कोटा लगता है और कुछ यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है उसमें आपका 45% है, और जो हमारा एससी एसटी ओबीसी का क्राइटेरिया लगता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कम हो जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है उससे कम है, लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा 50% हमारा चाहिए होगा पीसीएम परसेंटेज और हमारा ओवरऑल परसेंटेज। अब हम बात करते हैं कि किस बच्चे को बीटेक सीएस से करना चाहिए और किस बच्चे को नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर हम बीटेक सीएस की बात करें यानी कि कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में दो हमारी कैटेगरी होती है मेन, एक होती है हमारी हार्डवेयर और एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर। जो इसमें मेन होती है हमारी वो होती है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पार्ट आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल पार्ट होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है हमारा, ये हमारा हार्डवेयर पार्ट है। और यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जैसे कि अब उसमें हम बात करें, सॉफ्टवेयर में विंडोज एप्लीकेशन आती है सबसे पहले, उसके बाद में हमारे वेब एप्लीकेशन हो गया, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गया, तो उसमें बहुत सारी सब चीजें आती है, हमारी डेटाबेस हो गया, तो ये सब सारी चीजें किस में आती है, हमारी सॉफ्टवेयर में आती है। तो साथियों, बीटेक उन बच्चों को करना चाहिए जिनका या तो हार्डवेयर में इंटरेस्ट है या फिर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर में आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, कोडिंग अच्छी लगती है। सॉफ्टवेयर में अगर यदि हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग होती है, कोडिंग का सारा काम होता है। यदि आपको एप्लीकेशन बनानी है विंडोज एप्लीकेशन, तो उसमें भी आपको कोडिंग करनी होगी। यदि आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें भी आपको कोडिंग करनी होगी। यदि आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए भी आपको कोडिंग करनी होगी, जैसे आपके मोबाइल की ऐप होती है तो उनके लिए भी कोडिंग करनी होती है। यदि आपको बैकएंड में डेटाबेस के लिए जाना होता है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कोडिंग रहती है। तो उसके लिए आपका जरूरी है कि उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और आपको निरंतर सीखते रहना, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है सीएस ब्रांच में। तो यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो आप बीटेक कीजिए। यदि आप अपने आप को डे बाय डे अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं और आप निरंतर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं उसमें, तो आपको बीटेक नहीं करना चाहिए, मैं यही एडवाइस दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने आप को आप निरंतर अपग्रेड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो उसके लिए आप फिर बीटेक कर सकते हैं, बीटेक के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ब्रांच है बीटेक सीएस जो है, क्योंकि हमारे पास जो जॉब ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं बीटेक सीएस में। अब यदि हम स्टडी की बात करें तो स्टडी में जो हमारा फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर से रिलेटेड सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग कोडिंग का, यानी कि सी लैंग्वेज होती है, और बाकी सब्जेक्ट हमारे कुछ 12th के होते हैं, कुछ हमारे नए सब्जेक्ट यानी मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, 2-4 सब्जेक्ट हमारे इस तरह के ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे हमारा सेकेंड ईयर आता है तो वो सब्जेक्ट कम हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते हमारे जो फाइनल ईयर में है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो साथियों, यदि आपको बीटेक सीएस से करना है तो बीटेक सीएस के लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए निरंतर मेहनत करनी होगी और निरंतर सीखना होगा। यदि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो आप इस ब्रांच में सक्सेसफुल होंगे और अच्छी जॉब पा सकते हैं।
अब मैं यदि जॉब की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में इसका इतना जॉब है, बहुत ज्यादा मार्केट में इसका स्कोप है, क्योंकि जितनी भी हमारी वेब डेवलपमेंट की कंपनी है उन सब में कंप्यूटर साइंस के बंदों की रिक्वायरमेंट है, जितने भी हमारी जो मोबाइल की एप्लीकेशन बनती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन उन सभी में कंप्यूटर साइंस के बंदों की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है उन सभी में हमारे कंप्यूटर साइंस के बंदों की रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर में, नेटवर्किंग में, RDBMS में और हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इन सभी में हमारे कंप्यूटर साइंस के बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में। और यदि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है अलग से कंप्यूटर साइंस के बंदों के लिए। और साथियों, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसकी मार्केट कभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कंप्यूटर से नहीं जुड़ी हुई है। तो इसमें साथियों जॉब वैकेंसी बहुत ज्यादा है और आने वाला जो हमारा जो अगर हम बात करें अपने कैरियर की तो वो कैरियर बिल्कुल सिक्योर है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं वो बीटेक कंप्यूटर साइंस से करें, अपने अच्छे कॉलेज से करें और अच्छी प्लेसमेंट उसकी कॉलेज की ये देखें कि उसकी लास्ट ईयर की प्लेसमेंट कैसी रही है। तो उसके लिए बहुत है कि अच्छे कॉलेज का चुनाव करना। अब यदि मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो जो मिनिमम सैलरी पैकेज हम CS वाले बच्चे की बात करें तो मिनिमम जो सैलरी पैकेज रहता है वो मिनिमम 2.5 लाख पर एनम से लेकर और हमारा 12 लाख पर एनम तक जाता है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक CS से किया है। तो साथियों, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, यदि आपको और कोई डीपली पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितने जल्द से जल्द होगा मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।